इस हफ्ते पावर कपल में सजेगी मस्ती और एंटरटेनमेंट की पावरफुल महफिल। एक और पसीना छूटता है क्योंकि मैं हॉट हूँ। एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम कह जानो अश्मित बापू। अपने इश्क को साबित करने के लिए लड़कियां उठाएंगी रिस्क। उल्टा दौड़ना होगा ट्रेडमिल पर और ढूंढने होंगे अपने पार्टनर्स के कपड़े। केयरफुल। लड़के करेंगे सामना मोहब्बत की अनोखी चुनौतियों का। मिला तुम बहुत डिफिकल्ट देना थॉट। इश्क के इम्तिहान को कौन करेगा पार और किसके हिस्से आएगी हार। स्टॉप द कार। क्या बात है, सब अच्छे लग रहे हो। मैं ये बिलीव करता हूँ कि दो लोगों के बीच में नजदीकियां तब आती हैं जब दिल के दरवाजे खुल जाते हैं। आपके पार्टनर्स को तो कुछ आपके बारे में पता ही है ही, लेकिन यहाँ हम सब साथ में हैं। दूसरों को भी थोड़ा बहुत जानना है आपके बारे में। सो दिलनाज, ऐसा कहते हैं कि यू लव ओनली वंस, बट आप लोगों को देख के ऐसा नहीं लगता है कि यू लव ओनली वंस? आप कहते हैं कि ही इज लाइक अ गॉड सेंट, ही इज लाइक फादर्स ब्लेसिंग, ही इज एन एंजल। जो प्यार मैं चाहती थी एज अ रेसिप्रोकल, वो शायद मुझे इतने साल में नहीं मिला जो इसने दिया। ही इज ऑलरेडी शेयर्ड हिज फीलिंग्स, बहुत बार कह चुके हैं कि प्लीज डेलनाज लेट्स गेट मैरिड, बट आई डोंट वांट मैरिज, आई एम हैप्पी दिस वे। मुझे ऐसा लगता है कि मैरिज तो एक बार हो गई ना, अब ये ऐसा एक इंसान बोलूँ, मसीहा बोलूँ, क्या बोलूँ, जैसे सलील की लाइफ में रिया है वैसे मेरी लाइफ में पर्सी। सलील, you have been person who's played for the country cricket. Jo bhi insaan is level pe pahunchta hai uske andar ek focus hota hai, ek dedication hota hai, ek discipline hota hai, aur wo aapne bahut time tak maintain kiya tha. Jab aisa aadmi aisi situation mein chala jata hai jahan humko lagta hai ki yaar ye iske sath aisa kya ho gaya, what happened, kya hua kya? Actually, this topic is quite untouched. एक साइड थे मेरे माँ बाप और मेरी बहन और उसका हस्बैंड, एक साइड थी माय फर्स्ट वाइफ और बीच में मैं और मेरे बच्चे। आई डिडंट वॉन्ट टू लीव माई पेरेंट्स, आई डिडंट वॉन्ट टू लीव देम एंड स्टे सेपरेटली, बट apparently my earlier wife didn't want that, she wanted to live separately. तो उसमें बहुत सारे conflicts होते थे और समझ में नहीं आया कि मैं इसमें कैसे बह गए, you know? ये नहीं, कोई इंसान नहीं चाहता कि you know, वो कोई addiction में चला जाए या कोई alcoholic बन जाए या कुछ भी हो जाए, उसको पता नहीं चलता। वो reality avoid करने के लिए वो एक चीज़ का सहारा लेते लेते इतना आदी हो जाता है उसका कि just go into the flow. और वही हुआ मेरे साथ। सलील की कहानी सुनी, बहुत जिगर चाहिए टू कम आउट ऑफ इट। मेरे लिए इंस्पायरिंग सबसे ज्यादा सलील और रिया की कहानी है। इट्स लिटरली अ स्टोरी व्हिच इज यू कैन मेक अ फिल्म ऑन। शिल्पा, 11 साल हो गए आपकी शादी को, हाउ इज द जर्नी बीन? सर, मुझे सिर्फ इतना पता है दैट ये मेरे पहला प्यार है और यही आखिरी रहेंगे। बट मैं जब छोटी थी तो मैं एक ही चीज़ बोलती थी कि जब मैं 21 साल की, मुझे शादी करनी है, मुझे बच्चे चाहिए एंड आई वांट टू बी हैप्पीली मैरिड। तो आपके एम्बिशन में से एक एम्बिशन आई थिंक अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, राइट?
वी ट्राइड फॉर 3-4 इयर्स और मेरी कुछ इश्यूज हैं, जो बैक प्रॉब्लम है और यू नो द टिपिकल विमेनली प्रॉब्लम. फॉर 2 इयर्स आई वाज कंप्लीटली, मैंने एकदम काम छोड़ दिया था. द थर्ड ईयर केम अराउंड, इट स्टिल डिडंट हैपन. दैट्स व्हेन ही टोल्ड मी कि अगर आप यही करते रहोगे तो इट टेक अ टोल ऑन योर बॉडी प्रॉब्ली एंड मेंटली. बरसों से ये बहते आंसू थम रहे हैं धीरे धीरे. I'm gonna have such a pretty girl. Maybe a little later, God really can't keep that away from me. शावर मियां आप पे आते हैं भाई, दो अलग जगहों से, दो अलग कल्चर्स, दो अलग रिलीजन्स, इतना सारा डिफरेंस, फिर भी इतना आप में कम्युनिकेशन है, मतलब लव है, अंडरस्टैंडिंग है, कैसे? शादी तो करना चाहता था जब 20 या 22 साल का था, तो मैं अपने पेरेंट्स के पीछे लगा था, मेरी शादी कर दो. क्यों इतनी जल्दी? प्यार करता था किसी को, लेकिन वो वेट नहीं कर पाए. जब बॉम्बे आया तो वो चली गई, तो और फिर वो लड़कियों से समझ नहीं आई मेरे. फिर उसके बाद एक बार मुलाकात हुई मार्सिला से मेरी. पहली नजर में कैसे जादू कर दिया तेरा बन बैठा. एक शो के दौरान मुलाकात हुई, अच्छी खूबसूरत लगी, बात करी तो बड़ा अच्छा लगा. हम लोग 2 साल तक साथ में रहे और मुझे लगा कि मैं इस लड़की के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ. अश्मित पटेल, द क्विंटेसेंशियल प्लेबॉय. चंचल मन अतिरेंडम, देगा धोखा मचल गया. ये एक इमेज बन चुकी है मेरी कि मैं एक प्लेबॉय. इनको पता है कि मैं 4 साल से सिंगल रहा हूँ. 4 साल के बाद मैं किसी के साथ इन्वॉल्व हूँ. हाउ डिड दिस एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग हैपन मैन? सच बोलूं तो अरबाज भाई, जब मुझे शो ऑफर किया गया था, हम लोग जस्ट मिले थे. आई वॉजंट श्योर कि वेदर शी वुड बी रेडी टू कम ऑन द शो. जो हम दोनों के बीच में है, इट्स आई वुड से कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन देयर इज नो लेबल, कोई लेबल नहीं है. मुझे इतना पता है अरबाज भाई कि हम रोमांटिकली इन्वॉल्व हो ना हो, हम जिंदगी भर दोस्त रहेंगे. मुझ में तो Amir and Sanjida, you look like you're a couple made for each other. How would you define your relationship? हमें साथ में मिले हुए 10 साल हो गए, मगर उन 10 सालों में हम बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं. हम बहुत ही real रहे एक दूसरे के साथ. और आई थिंक दैट्स व्हाट वर्क्ड बिटवीन अस. मेरा हमेशा से ख्वाब था अरबाज भाई कि मैं शादी करूं तो वो इंसान बिल्कुल मेरे फादर की तरह होना चाहिए. छोटू माय बेबी. कुछ ही महीने पहले गुजरे एंड ही इज इन हेवन. And I think Sanji just remembered her dad and got a little emotional. Anju, Bachu. Yeah. Choto. Choto. Yeah. Basa maybe. I just want to say I'm very lucky to have Amir in my life. आई थिंक जैसे बोलते हैं ना DDLJ, डॉन में अमिताभ बच्चन नहीं होता तो नहीं बनता, शोले नहीं बनता अमिताभ धर्मेंद्र के बीच. मैं बोलता ये सेशन अरबाज खान के बिना नहीं बनता. करेक्ट. जब ये नाचीज सा दिल किसी पे आता है तो सामने वाले की हर चीज प्यारी लगती है. इसीलिए तो कहते हैं दो जिस्म को एक जान बनाती है, सच्चे प्यार में बड़ी पावर होती है. वेलकम टू पावर कपल.
पिछले हफ्ते शावर और मार्सेला ने जीता था कपल टेस्ट और उन्हें मिला था मास्टर स्वीट। एक्चुअली जब हम लोग इस घर में आए थे, सबसे अच्छा जो रूम था वो राहुल और प्रतीक्षा का था, और मैं और मार्सेला यही बात कर रहे थे कि हमारी शादी अभी हुई है, हमें ये रूम मिलता तो अच्छा होता। तो देखिए ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। फ्रॉम द फर्स्ट डे आई वांटेड दिस रूम। First day we came here, you wanted this room. हाँ। रूम बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, जकूजी है उसके अंदर, बड़ा है, बहुत स्पेशियस है, और उसका जो व्यू है वो रिवर साइड है। शावर मिया जी और मार्सेला, आपको मिला था मास्टर स्वीट। तो आपकी पहली रात कैसी गुजरी? बड़ा मजा आया। बड़ी अच्छी ना। मार्सेला, व्हाट इज ही सेइंग? आज का जो हम टेस्ट करने वाले हैं उसमें एक हल्का सा सेंसेस के ऊपर टेस्ट है, एक दूसरे को जानना। बहुत से तरीके होते हैं लोगों को पहचानने के, देख के पहचानते हैं हम, उनकी आवाज सुन के पहचानते हैं, उनको महसूस करके भी पहचानते हैं। तो हम बॉयज को अलग कर देंगे, गर्ल्स को अलग कर देंगे, उनके हाथ पे हाथ डाल के महसूस करके बताना है कि उनका पार्टनर कौन है। इतना सिंपल है? नहीं, कोई ट्विस्ट होगा इसमें जरूर। पिक्चर अभी बाकी है मेरे भाई। पतल आर यू रेडी मुग्धा? आप अपने हाथ बाहर रखिए। कम ऑन, शुरू करो। नो 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 ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ये है क्या? नहीं 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 नहीं। ओके नो। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाई दे रही है मंजिल प्यार की। नो। Are you sure? Yeah. Oh God! Look at the back. See, look at the back. Look at the back. Oh baby. Okay. 1, 2, 3, start. अरे क्या ये? अब इतना ही वक्त मिलेगा? इतना ही टाइम मिलेगा? हाँ और क्या? Next. ये 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 आई विल डिस्क्वालीफाई दिस। अरे बट दैट्स लव। आई नो मुझे ना ना इसमें एक इसमें एक नहीं इसमें इसमें आई सॉ दैट एक इसमें एक अश्योरेंस था। नहीं नहीं बट मैंने धागे से गेस किया तो आप मेरे हिसाब से डिस्क्वालीफाई हो गए। नो प्रॉब्लम। शुरू करें। यस और नो? नो। 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 सो नन ऑफ देम आर देयर। जीज the last one.
Navid. Yes, open your eyes. चलो अपने लिए तालियां बजाइए, बहुत मजा है सबको इसके अंदर. गुड फन. नावेद क्या कहना है, सईदा को थोड़ा कितना और वक्त लगेगा महसूस करने के लिए? अभी मुझे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. ओके. हमारा पहला टेस्ट है गर्ल्स का. हम ये जानना चाहेंगे कि गर्ल्स अपने बॉयज को कितनी अच्छी तरह जानते हैं, तो इसके लिए हम ले चलेंगे बॉयज को इन्वेस्टमेंट रूम में. रेडी, लेट्स गो. कम ऑन. So guys, आपका इन्वेस्टमेंट रूम में फिर से स्वागत है. देखते हैं कि पहले हफ्ते के बाद आप सबके जॉइंट अकाउंट्स में कितने कितने भरोसा पॉइंट्स हैं. पिछले हफ्ते के तीनों टेस्ट के बाद कपल्स के भरोसा पॉइंट्स उनके लॉकर में जमा हो गए हैं. ये भरोसा पॉइंट्स आपके लॉकर में सेफ हैं. इस हफ्ते के बाद आप जितने भी पॉइंट्स इकट्ठा करेंगे ये इनमें जाके ऐड हो जाएंगे. तो शॉपिंग का किसको शौक है? आमिर को. आमिर को शौक है, तो आमिर को हम छोड़ते हैं, हम उनसे बात करते हैं परसी. अरे तू बड़ा, तुम शॉपिंग पे ले जाता है क्या? जी डेलना साथ जाती है? यस. हमेशा जब भी डेलना शॉपिंग ले जाती है तो मुझे लेके जाती है, बिकॉज बैग कौन कैरी करेगा? नहीं, बैग तो कैरी करता ही हूँ, बट उनको जो मुझे पसंद आता है वही चीज उठाती है वो. पर्सी टेरे पे ये बहुत सरस लगता है. जी जी जी. ऐसा कुछ है ना? तो मैं जो सोचता हूँ कि सांस लेना और शॉपिंग ये औरतों के साथ जुड़ा होता है. तो लेट्स गो टू द गर्ल्स. गर्ल्स. यस. हेलो. ओके डेलनाज. जी. बेचारा पर्सी यार, उसकी शॉपिंग तू करती है कि नहीं करती है? या इसे क्या पसंद है वैसे? बहुत सारी चीजें पसंद है यार, गैजेट फ्रीक है वो. अच्छा, कपड़ों का इतना शौक नहीं है? कपड़े हाँ मैं ही डिसाइड करती हूँ. तो मतलब कपड़े घर में पहनता ही नहीं है? एक बात मुझे बताइए, आप लोग सब लड़कियां शॉपिंग के लिए गए हैं और सडनली एक अनाउंसमेंट आता है मॉल के अंदर कि 10 मिनट में जो डिस्काउंट सेल है वो खत्म होने वाला है और आप काफी दूर है वहां से, तो आप क्या करेंगी? भागेंगी. एक शॉप से दूसरी शॉप से भागेंगी ना. बस समझ लो कि आज आपको अपने टेस्ट में कुछ ऐसा ही करना होगा. क्या करना होगा, कैसे करना होगा, वो तो हम आपको टेस्ट लोकेशन पर बताएंगे. तो गर्ल्स टाटा, बाय बाय, बाय बेबी, ऑल द बेस्ट. हाय बच्चा. हाय राम. मुझे लगता है एक रूम से दूसरे रूम में भाग के जाके कुछ कुछ चीजें, उनकी चीजें, हमारी चीजें उठा के लेके आना. भागना टू गेट समथिंग, दैट्स फॉर श्योर. तो मुझे वहां से पता चल गया था कि यू नो कुछ टाइम लिमिट में कुछ शॉप करना है. बड़ा सिंपल टेस्ट है. एक रैक होगा, उसके ऊपर बहुत सारे कपड़े होंगे, उन कपड़ों के बीच में आपके भी पर्सनल कपड़े होंगे, आपके पार्टनर को जाके वो कपड़े सिलेक्ट करके आपकी तरफ फेंकना है, आपको वो पहनना है. बट आपको लगता है कि मैं आप लोगों को कोई भी चीज इतनी सिंपल करके दूंगा? बिल्कुल नहीं, आप हमारे लाइफ के गब्बर हो गए. अच्छा. ठीक है ठीक है. उनको ये टेस्ट एक ट्रेडमिल पर भागते परफॉर्म करना है. हम इतनी बार मिले नहीं है कि वो मेरी
मेरे सारे कपड़े पहचान पाए। प्रत्युषा को तो मैं बता देती हूँ कितना लगाएगा। 50। क्या पता इस बार मेरी गुगली हो जाए, कम लगाए। राहुल सर गो फॉर 50,000 भरोसा पॉइंट्स। आप दोनों एक दूसरे के ऊपर बड़े ज्यादा भरोसा पॉइंट्स लगाते हैं। सर आसान हो गया तो फिर भरोसा क्या सर? सलील दौड़ना है तो 101 भरोसा पॉइंट्स। 40,000 इन्वेस्ट कर दिया। 40,000 जी। अपूर्वा मैन द कूल डूड। पिछली बार हम लोग तबाह हो गए थे, बर्बाद बैंकरप्ट हो गए थे। इस बार मैंने थोड़े से कम 37,000। खाली ट्रेडमिल पे चलना होता तो बात अलग थी, यहाँ पे ट्रेडमिल पे चलना है और कपड़े भी देखने हैं और उनको वोटिगो का प्रॉब्लम है। 20,000 भरोसा पॉइंट इन्वेस्ट करना चाहता हूँ डेलनास पे। नावेद मिया 60,000 पॉइंट। पिछले हफ्ते अरबाज साहब मैंने आपकी बात सुनी थी, मैंने बड़ा है और हम टास्क खा रहे थे और मुझे बहुत सुनना पड़ा। बहुत सुनना पड़ा। देखो कितना करना है, 5,000 करना है। अरबाज भाई मैंने 51,051 रोसा पॉइंट्स इन्वेस्ट किए। कपड़े भी मेरे पहचानती है क्योंकि वही शॉपिंग करती है मेरी, तो मैं 40,000 भरोसा पॉइंट्स उसके ऊपर लगा रहा हूँ। मैं खुद शॉपिंग करता हूँ अपनी, लेकिन एज आपने सिर्फ हिंट दिया है। वो तो थोड़ा तो यार टेस्ट के लिए छोड़ो यार। तो मैं 37,000 इट इज। मेरा भी 25 ही रहेगा, मेरे दौड़ने के किस्से बहुत हैं। He thinks I can't run। मैंने मुग्धा पर 40,000 भरोसा पॉइंट्स इन्वेस्ट किए हैं। सारे भरोसा पॉइंट डिसाइड हो गए हैं। ठीक है, तो आपको मिलते हैं टेस्ट लोकेशन पर। ऑल द बेस्ट, सी यू गाइस। अपने पार्टनर पे सबसे ज्यादा भरोसा पॉइंट्स इन्वेस्ट किया नावेद ने और सबसे कम पर्सी ने। कुछ ही देर में देखिए, एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानो अश्मित भाकुर। कार को घुमाना शुरू कर दीजिए। More difficult than I thought. क्या यू ओके? रुक ले क्या? Stop the car. ट्रेडमिल पे चलना तो है आसान, मगर चलना होगा उल्टे पांव। वैसे सब जानते हैं कि गर्ल्स को शॉपिंग कितनी पसंद है, सो आई गॉट यू गिफ्ट्स, आई गॉट क्लोथ्स फॉर ईच वन ऑफ यू। थैंक यू मलाइका। यस, क्या तुमने मेरा क्रेडिट कार्ड यूज किया इसके लिए? ऑफ कोर्स डार्लिंग, हस्बैंड का क्रेडिट कार्ड यूज करना एक औरत का फर्ज बनता है, राइट गर्ल्स? तुम्हारा फर्ज मेरे लिए बहुत बड़ा कर्ज बन के रह जाएगा। छोड़ो ये सब बातें। आज का आपका इंडिविजुअल टेस्ट का नाम है ढूंढते रह जाओगे। ये टेस्ट आपके विजुअल सेंस को टेस्ट करेगा। ये टेस्ट बताएगा कि आप अपने पार्टनर की चीजों को कितनी अच्छी तरह से पहचान सकती हैं। आपके पीछे लगे हुए हैंगर पे बहुत सारे कपड़े हैं, उनके बीच में आपके पार्टनर के भी 5 कपड़े हैं, शॉर्ट्स, टी शर्ट, सॉक्स, शूज और पैंट। आपको आपके पार्टनर की चीजें ढूंढ कर निकालनी है और आपको वो अपने पार्टनर को देने होंगे और उन्हें वो कपड़े पहनने होंगे। मगर ये सब आपको करना पड़ेगा इस ट्रेडमिल के ऊपर उल्टे भागते हुए।
मुझे ट्रेडमिल की उतनी टेंशन नहीं थी, बट हाँ वो उल्टा भाग पाना इज वेरी ट्रिकी, क्योंकि हम में से किसी ने कभी वो एक चीज नहीं की है। आपको मिलेंगे सिर्फ 90 seconds. उस समय मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ये था कि शायद मैं नहीं करूंगी क्योंकि मेरे बैक में प्रॉब्लम है, और दूसरी चीज सलील के कपड़े जो कि मैं बिल्कुल नहीं पहचानती क्योंकि उसके हर हफ्ते नए नए कपड़े आते रहते हैं। ऑल द बेस्ट गर्ल्स। मलाइका बुलाते हैं हम अपने सबसे यंगेस्ट और जोशीले कपल प्रत्युषा और राहुल को। हेलो, कैसे हो भाई? ऑल गुड, फिट लग रहा है एकदम। प्रत्युषा प्रत्युषा वेलकम, कैसा लग रहा है? थैंक यू, अच्छा लग रहा है। आप करती हैं इनके लिए शॉपिंग? हाँ। तो आपको पता है ये क्या क्या पहनते हैं? हाँ। तो आपके पास रहेंगे सिर्फ 1.5 मिनट, 90 seconds में आपको इनके पर्सनल बिलोंगिंग्स को एक एक करके इनको देना है और पूरे 5 आपको निकालने हैं। अगर 5 नहीं कर पाई पूरी आप, तो फिर आप ये टेस्ट फेल हो जाएंगे। Don't worry, we will encourage you, we'll keep telling you. Are you ready, Pratyusha? Yes. तो शुरू करते हैं। ट्रेडमिल शुरू कर दीजिए प्लीज। ओके Pratyusha, 3, 2, 1, your time starts now. पीछे भागना है, पीछे भागना है, पीछे। हाँ ऐसे। साइडवेज नहीं, साइडवेज नहीं। पीछे पीछे। भाई 1.5 मिनट तो आदमी दुकान में घुसता है, घुस के कपड़े को देखने में लग जाता है कि सीधा उल्टा। जब तक ब्रीफिंग ये है कि आपको कपड़े पहचानने हैं, तुम ऑब्वियसली मैं पहचानती हूँ, बट अगर आपको एक तरफ से ट्रेडमिल आ रहा है, आपको उसके ऑपोजिट भागना है। यू जस्ट हैव टू रन लाइक दिस। 1 मिनट के थोड़ा ऊपर है अभी, ये एक हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। साइडवेज नहीं प्रत्युषा, साइडवेज नहीं, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। देखो 1 मिनट से कम है आपके पास अभी। इट इज अ शेयर लक कि वो कपड़े दिख गए, तो बिकॉज वो ऐसे ऐसे रैक में रखे हुए थे। ये है, राइट है। Very good. Pick it up. Pick it up. Pick it up. Pick it up. उठालो, उठालो. उठालो. उल्टा, उल्टा भागना है. हाँ. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Sideways नहीं, प्रत्युषा. आपके पास बचते हैं सिर्फ अभी 4 सेकेंड. 3, 2, 1. आपका टाइम खत्म हो गया. टाइम अप. Sorry. Sorry. उस समय के लिए आपको लगता है कि यार मैं सामान नहीं पहचान पाई, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ अपने टियर्स को, I'm not feeling good. अरे यार पागल हो गया? अरे जस्ट अ गेम, आई थॉट आई न्यू। दर्द में निकले दिलों से अभी तक आप सब जीते हैं। It's okay. मिल पार्टी। 50,000 भरोसा पॉइंट्स आपके पास हैं। आप सिर्फ वो 50,000 ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू अरवाज भाई। एंड कम बैक विद अ बैंग। स्वीटहार्ट 50,000 है हमारे भरोसा पॉइंट, इसी 50,000 को फिर से हम टॉप में लेके जाएंगे। सो मुझे तुम पे भरोसा है, तुम्हें मुझ में, करेक्ट है ना? ऐसे बुला दो। ऐसे स्वीटहार्ट, ये अलग था। लेट्स गो। हम दो बिल्कुल अलग टाइप के लोग हैं, इंसान हैं, और हम दोनों के कपड़े बिल्कुल ही एक टाइप के नहीं है, पसंद एक टाइप की नहीं है, तो हम दोनों के चॉइसेस अलग अलग है। नॉर्थ पोल साउथ पोल है, लेकिन एक चीज है कि हम दोनों मेंटली एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कैन वी स्टार्ट द ट्रेडमिल प्लीज? उरी बाबा रे, दिस इज फास्ट। 3, 2, 1, go Ria. पीछे भागिए।
मैंने पूरी कोशिश अपनी की. इनफैक्ट मैं 3 बार कूदी उसमें, बट मुझे मतलब कूदते ही ना इतना डिसबैलेंस फील हुआ कि मैं वापस लिटरली लाइक अ फ्रॉग, मैं मेढक की तरह वापस कूद गई. पीछे I can't do it. I'm sorry. It's okay. It's okay. Are you sure? I have a bad back. मेरे को ये चीज दिमाग में आ रही थी कि कहीं मुझे कुछ हुआ यहाँ पे. खड़ी नहीं रहूंगी तो सलील, जो आज मैंने इतनी मेहनत करके इस इंसान को खड़ा किया है, और ये इसको अपने अंदर वैसे ही पुराना जो सलील अंकोला कॉन्फिडेंट था, आज वो वैसे ही इंसान खड़ा है मेरे सामने, तो मैं नहीं गिर सकती अब. I have to take care of you. I can't. कुछ नहीं. Not a problem. मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो. इतना कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं उनको कि यू नो ये मुझे प्यार करती है, इतने भरोसे पॉइंट लगे नहीं मुझे करना है. अरे ये नहीं रहती तो मैं अभी तक इस दुनिया में नहीं रहता, तो इट डजंट मेक सेंस एट ऑल. मेरा हमेशा ठीक रहना सलील के लिए बहुत जरूरी है, एंड वो मुझे डर था यहाँ पे. आई थिंक दैट्स अ वेरी स्वीट. वेरी स्वीट. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. 3, 2, 1, यू कैन स्टेप ऑन. पीछे पीछे आ जा. वो ट्रेडमिल में ना बीच बीच में कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे पैर के लिए, तो पैर ऐसा फिसल रहा था. पीछे आना, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ. या वेरी गुड बेबी, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, पीछे, वेरी गुड, सुपर्ब, वेरी गुड. अच्छा है, कम ऑन, चलो चलो, कीप लुकिंग, कीप लुकिंग. के ऑरेंज जूते मिले, उसके बाद मेरा फेवरेट शर्ट उन्होंने रखा था वो दिखा. पीछे पीछे, राउंड बैकवर्ड. ये मोजे, नहीं नहीं नहीं, आधा वक्त आपका गुजर गया. कम ऑन, ये है क्या बात है, सुपर फील हो गया. उनके पैंट पे ना रिब्स है ऐसे, वो मैंने देख लिए और मुझे लगा, और ये जोधपुर स्टाइल पहनते हैं तो मैंने वो देख लिया, उठा लिया. 10, नहीं नहीं नहीं, 9, 8, 7, very good, very good, 6, 5, 4, 3, 2, आपको पहनना है, शूज आपको पहनना है, 1, and done. ब्लैक टी शर्ट मेरे दिमाग से निकल गया, और मुझे सोचना चाहिए था एक्चुअली कि ये आज का पहना है तो ऊपर का भी आज का ही होगा. ब्लैक टी शर्ट एक ऐसी कॉमन चीज है, अगर 9 लड़के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर किसी की वार्डरोब में ब्लैक टी शर्ट होती है. 5 में से कितने आइटम आ गए? मेरे दोनों लोअर्स आ गए हैं. ठीक है, मेरी शर्ट आ गई है. तो 1, 2, 3, 4, मेरे जूते आ गए हैं. 4 आ गए, 4 आ गए, एक आपका रह गया. सो क्लोज एंड सो फार, येट सो फार. थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुआ, बट आई थिंक हम आपका एक डांस देखना चाहते हैं, उसके लिए हमने आपके लिए एक स्पेशल चीज मंगाई है. आर यू रेडी? ये है वो स्पेशल चीज. मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, भी दीवाना. अरे ये क्या कर दिया? नीचे नीचे नीचे, अली नीचे, अली नीचे. ये भी कर सकते हैं. हाँ ये भी चलेगा, याद ना, ये भी चलेगा. कैसा लग रहा है आपको नेशनल टेलीविजन पे? ऐसे बैंक पे तो पैसे हैं नहीं, बस अब यही बची है ये नोट. नहीं हनी, मैं आपकी चड्डी नहीं उतरने दूंगा. चड्डी नहीं है, कल पता लगेगा पूरी उतरी की, अभी थोड़ी सी उतरी. बिफोर यू स्टार्ट, आपको हिंदी में शावर को कहना है जाने मन, जाने मन, मैं आपके आपके कपड़े कपड़े ढूंढ के ढूंढ के लेकर आऊंगी. लेकर आऊंगे. वेरी गुड. थोड़ी स्पेशल ढूंढेंगे, नॉट टेम्पररी, परमानेंट.
कम से कम भाभी को तो नहीं रखते यार, ऐसे इंटरनेशनल हालत में आ रहे हैं हम लोग। बंद करके आपसे बात करेंगे ना। लो, इंटरनेशनल हालत में है सब लोग। पीछे की तरफ उल्टा भागना, हाँ ऐसे ऐसे भागना। मैं तो यही सोच रही थी कि उल्टा कैसे चलेगा, सीधा कैसे चलेगा। मैं ट्रेडमिल पे चढ़ी तो इट्स नॉट दैट इजी। मुझे ये डर था कि मैं गिर जाऊंगी, मैं गिरी नहीं, सो दैट्स एन अचीवमेंट। सही कर रही है, सही कर रही है सईदा। गुड गुड, बस देखते जाओ, ढूंढते जाओ। मुझे ये शर्ट मिला, तो ये शर्ट जब बनाया था तब मैं थी साथ, तो ये शर्ट, फिर सॉक। आपके पास 25 सेकंड ही बाकी है, 25 सेकंड ही बाकी है, 3 हो गए। उल्टा 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 भागना है, उल्टा भागना है। हाँ, साइड नहीं भाग सकते आप, आपको पेनल्टी मिल जाएगी। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। ये उनकी शॉर्ट्स दिखी, मैंने शॉर्ट्स ले ली और मैं जेन्युइनली कह रही हूँ यार, मतलब मैं आगे बढ़ती गई, मैं पीछे आती गई, इतने कपड़े थे, इतनी क्लोदिंग थी, दैट गॉट ट्रिकी यार। कम ऑन मार्सेला, क्विकली मार्सेला, चेक चेक चेक। You have only 45 seconds remaining now. Don't worry, you'll do it, Marcella. जो मेरे 5 कपड़े हैं, Marcella जरूर उनको ढूंढ लेंगे, क्योंकि वो कपड़े उन्हीं ने खरीदे थे और हमेशा मेरे जो कपड़े हैं, धोती भी वही हैं। Very good. 8, 7, छः, come on, you can do it. 5, 4, 3, 2. Time out. आपके नावेद नंगे के नंगे रह गए, इनकी पैंट आपने नहीं निकाली, इनकी पैंट आपने उतार दी। मैं जानता हूं कि आप नावेद को ऐसा ही देखना चाहती हैं, लेकिन ये शो है, कम से कम आप इन्हें इनकी पैंट तो पहना देते थे। सिर्फ 3 आइटम निकालने की वजह से आप दोनों ये टेस्ट हार गए। मेरे पति ने मुझ पे विश्वास करके लगाए थे 37,000 भरोसा पॉइंट, जब मैंने फिर आपका भरोसा तोड़ दिया। इन्होंने आप पे 60,000 भरोसा पॉइंट्स आप पे इन्वेस्ट किया था, सबसे हाईएस्ट है वो। 1,00,000 भरोसा पॉइंट्स से आपके 40,000 कम हो गए। आई थिंक Marcella की जो गलती रही वो ये रही कि वो बहुत ज्यादा फास्ट हो गई, तो उस चक्कर में शायद वो मिस कर गई कपड़े। आई थिंक हम लोग वहीं पे हार गए। आपको जो इस हफ्ते 1,00,000 भरोसा पॉइंट्स मिले थे उसमें से ये गए, यानी कि आपके पास 63,000 भरोसा पॉइंट्स अब है। आई थिंक द वे आमिर हग्ड मी, आई वाज लाइक चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा कर लेंगे। बेबी अभिजा, 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 सुन से हल्की भारी वार्निंग पब्लिक में जारी, आप संभालो जिम्मेदारी। बात बात कर दी है, बात बात मार दी है, बैठे का भी ना बैठ। कुर्सी के हर एक चीज, अगर चड्डी बनियान भी हो तो मैं पहचान लूंगी। दो प्यार के शब्द, हेलो फारसी में आप इनसे कहिए, हूँ तारती घनो घनो प्यार करूँ। तने घनो घनो प्यार। वेल दिलनास को मेरे कपड़े के बारे में बहुत पता है, मैं इनके चॉइस के कपड़े पहनना ज्यादा पसंद करता हूँ। 3, 2, 1, गो, द टाइम स्टार्ट्स नाउ। पीछे भागना है, पीछे भागना है, पीछे भागना है, पीछे। मैं ऐसा मैंने स्टार्ट लिया जर्क के साथ, लाइक एक जोश में कि यार चल ट्रेडमिल के साथ निकल जाती हूँ, और इट वॉज नॉट दैट सिंपल। The thought of then from that corner running backwards was killing. Yes. Hey, be careful. Be careful. No. Be careful. पीछे की तरफ भागना है। Are you okay? इतना अटका मेरा पैर उधर, फट 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 फट। बी केयरफुल, कैन यू डू इट, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। मैं ऐसे ऐसे, यू नो लाइक आई वाज ट्राइंग बट थिंग्स वर जस्ट नॉट हैपनिंग। नो शी गॉट हर्ट, नो नो बेबी इट्स ओके, इफ यू डोंट गिव अप। आई थिंक इट वाज टू लेट बिकॉज़ मेरा पूरा नाखून, I was bleeding. Oh, ma.
ओके बेबी ठीक है ओके बस इतना ही प्रेस इट नाउ बहुत बहुत दर्द हो रहा था एंड मैं जैसे जैसे देखती जा रही थी मुझे ऐसा लग रहा था कि यू नो लाइक क्या हो रहा है ये सब ठीक हो जाएगा डोंट वरी दिमाग में ये था कि क्विट करो गेम गो होम सिंपल यू आर मोर इम्पोर्टेंट टू मी देन द गेम इज कोई नहीं से उम्मीद मिली चाहे करे कोई सितम ये जहां इनमें ही है सदा हिफाजत मेरी अनफॉर्चुनेटली टेस्ट करते वक्त दलनास के पैर में चोट लग गई जिसकी वजह से हमको उनको अस्पताल भेजना पड़ा क्योंकि वो अपना टेस्ट पूरा नहीं कर सकी इसलिए पर्सी ने जो उनके ऊपर भरोसा पॉइंट्स इन्वेस्ट किए थे वो 20,000 पॉइंट्स उनके जॉइंट अकाउंट से कट जाएंगे इस हफ्ते। We wish Delnaz a speedy recovery and I hope अगले टेस्ट तक वो एकदम फिट हो जाएगी। कुछ ही देर में देखिए एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानो अश्मित भाकरे कार को घुमाना शुरू कर दीजिए क्या Stop the car. So let's call our next power couple. Mehak and Ashmit. मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न करना अश्मित आपको ऐसा देख के हिंदुस्तान की कितनी लड़कियां पागल हो रही होंगी हाँ अच्छा उनका दिल पूरा गार्डन हो रहा होगा ओ बाप रे बाप तो आपकी महक को बुलाएं प्लीज प्यार से बुलाएं उन्हें महक माय बेबी कम हेलो गाइस हेलो महक कैसी हैं आप दैट यू बैक डिड यू मिस मी ऑलवेज मिस यू महक जी ओके ट्रेंड स्टार्ट किया जाए 3 2 1 गो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ गो स्लो 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 पीछे भागना है पीछे भागना है नो साइडवेज पीछे भागना है वो वेरी गुड नॉट बैक महक या जूते मैंने इनके पहचान लिए मैंने एक जूता उठाया और मैंने ये नहीं सोचा स्ट्रेस में कि दूसरा जूता भी उठाना है मैं तो एक ही जूता पहनता हूँ मैं तो ऐसे थोड़ा अलग किस्म का हूँ चलो वेरी गुड आपके पास अभी बस एक मिनट फुल स्ट्रेस में फिर मुझे लगता है मैं जीन्स की तरफ गई पीछे पीछे आपको भागना है वेरी गुड महक 3 down 2 more to go मैं कभी टाइम नहीं लेती हूँ शॉपिंग करने में आई नो एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए मुझे कुछ दिखता है और मैं फास्ट शॉप कर लेती हूँ जल्दी करिए आपके पास अभी बचते हैं सिर्फ 45 सेकंड ये है वेरी गुड एक और ये आपका है एक और महक एक और यू कैन होल्ड इट इज दैट योर्स नहीं पहनना यू कैन होल्ड इट फिर मैंने सोचा कि इन्होंने जो शॉर्ट सुबह में पहने हुए थे उसके साथ में इन्होंने नेवी ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ था लेकिन मुझे ये याद नहीं था कि वो टी शर्ट था या गंजी था व्हाट इट वाज बट व्हेन आई वेंट बैक वो आखिरी जो मैंने उठाया वो मैंने चांस लिया अश्मित यू कैन होल्ड इट ये हो गया 5 यस वेरी गुड यू वन द टॉप हो गई है ये लकीरें इक्कीस सेकंड बचे थे आपके 21 सेकंड
रिकॉर्ड टाइम में, वेरी गुड, वेल डन. अश्मित आप बताइए कि आपने महक के ऊपर कितने भरोसा पॉइंट्स इन्वेस्ट किए थे? 51,000. 51,000. वेरी गुड. सो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम कि ये मेरे पे इतना भरोसा करते हैं एंड इट फील्स गुड. सहिल को बुखार, मैं जब से मिली हूँ ये दूसरी बार आया. पहली बार ऐसा हुआ है कि सहिल ने, जो कि रोज 4:30 बजे उठने वाले थे, जाने वाले थे. इनफैक्ट आयन मैन अश्मित को ये प्रॉब्लम होती थी उस रूम में, कहते हैं ठक ठक का आवाज आती है क्योंकि वो इतना जिम को यूज करते हैं. तो वो जो है, आई कैन टोटली एम्पथाइज विद हिम. जितना टाइम तुमको कोई काम नहीं है उतना टाइम तुम सोते रहो. अश्मित महक द ओनली कपल जिन्होंने अपना टेस्ट कल पूरा किया. अब इनके जॉइंट अकाउंट में है 1,51,000. भरोसा पॉइंट सबको मिल सकते हैं यहाँ पे ताली. नॉट ओनली अश्मित एंड महक, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा. वो है बॉलीवुड ऑडिशंस. तो घबरा गई थी जब मैं कहा वहाँ क्या तमाशा करूंगी जाके. बहुत ही सिंपल है, मैं आप सबको एक सिचुएशन दूंगी, एक डायलॉग दूंगी, जो भी मैं आपको दूंगी आपको बस करना है. अश्मित और महक, महक इनके आंखों में देखकर एक डायलॉग आपको बोलना है. एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानो अश्मित बापू. सईदा, माना कि आप एक लॉयर हैं और नावेद एक मुजरिम. उनका जुर्म ये है कि ये अपनी गीली टॉवल कहीं पर भी छोड़ देते हैं. योर ऑनर, नावेद जाफरी एक मुजरिम है. ये जिधर नाके निकलते हैं अपना टावर फेंक दिया. मैं चाहता हूँ आप इनको. कितने साल की? 5 साल. I have to wipe myself every time with the towel. इनको देख के मेरे पसीने छूट जाते हैं. अब मैं क्या करूँ? आप मुझे बताइए लॉर्ड, मैं क्या करूँ? इनको पसीना छूटता है क्योंकि मैं हॉट हूँ. सनी देओल प्ले कर रहे हैं, ठीक है. और आप इनसे शादी करना चाहते हैं और इनके फादर जो है वो उन्होंने मना कर दिया. तुमने ये 2.5 किलो का हाथ देखा है? तुम्हारे बाप को जाके बोलना अगर शादी नहीं करेंगे तो मैं उनको जमीन के नीचे गाड़ दूंगा. इन्होंने मुझे शॉक कर दिया पूरी तरीके से. सलील को अगर सामने ना, ये है कि मर जाओगे अगर नहीं नाचोगे तो भी वो मना कर देगा, वो मरना प्रेफर करेगा.
नाचा मैं तो। प्रत्युषा ये आपका सिचुएशन है जी, आपकी सास से आपके कोई झगड़ा हो अच्छा। गया, आप बहुत ही नाराज हो और आपने राहुल को बताया लेकिन राहुल आपका साइड ही नहीं ले रहा है। ओके ओके चलो फुल ऑन है सास बहू स्टाइल। प्रत्युषा हंस क्या रहे हो, व्हाई डू यू मैरी मी? तुमने नहीं बताया था तुम्हारी माँ को मुझसे इतनी प्रॉब्लम्स हैं, पहले बताना चाहिए था ना। माँ को तो ही ना डेट करी। तो ये बात तुम्हें समझ जरूरी है, तुम्हारी माँ को समझ जरूरी है, मुझे नहीं। तुम अपना गुस्सा ठंडा करो। क्यों गुस्सा ठंडा करूँ, तुम जाके उन्हें कुछ क्यों नहीं समझाते राहुल? वो मेरी माँ है। सो मैं कौन हूँ फिर? हम ये तो जानते हैं कि पर्सी वॉन्ट्स टू मैरी यू। माना कि एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है जहां आपका मूड चेंज हो गया और आपका एक्सेप्टेंस बढ़ गया, तो आप पर्सी को कैसे प्रपोज करेंगे? 3 साल ये जताने की कोशिश की कि तुम मुझसे बहुत बहुत प्यार करते हो और मैं भी जानती हूँ कि मेरे पापा ने ही तुम्हें भेजा है एज अ ब्लेसिंग। पावर कपल में जाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि एक्चुअली तुम मुझसे बहुत प्यार नहीं बहुत 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 प्यार करते हो। एंड हमेशा से मैंने ये सोचा कि मैं किसी की प्रायोरिटी क्यों नहीं हूँ। तुमने ये बता दिया दुनिया को कि तुम्हारे लिए तुम्हारी पूरी दुनिया ही डलना है। सो आज आई गो डाउन ऑन माय नीज एंड आई थैंक यू फॉर ऑल दिस। तुम और ज्यादा फनी जा जो रखे हुए तूने कदम तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। मैं दिल से चाहती हूँ कि ये जो भी है डेलू और पर्सी का ये हमेशा ऐसा रहे और बढ़े और एक दिन ऐसा है जब वो वाकई अपने पैरों पे जाए और बोले पर्सी मेरी मैरी मी। आधे आधे पूरे हैं तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हंसी का मैंने जीना जीना कैसे जीना। I wish her all the very best, stay happy, stay blessed, शादी हो ना हो खुश रहो साथ रहो, that's the most important thing. So I think मेरे तरफ से सबके लिए bonus 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 points for everybody because you're all fantastic. और yes yes में सब पास हो गए लेकिन अब हम करेंगे अपना अगला टेस्ट जो होगा boys का टेस्ट, लेकिन पहले हम girls को इन्वेस्टमेंट रूम में ले जाएंगे। Come on girls, so let's go and show some balance on your boys. Come on. Come on, guys. यूं ही दिल मिलते नहीं है रब मिला है छोड़ी मिल गई है ये लकीरें किस्मत है छोड़ी। Welcome girls. आपको पता है कि हम इस रूम को क्या बुलाते हैं? इन्वेस्टमेंट रूम। यस, मैं आपको बता दूं, नो रिस्क नो इश्क और यहां पर कोई नहीं हारता है, यहां सिर्फ प्यार की जीत होती है क्योंकि सच्चे प्यार में बड़ी पावर होती है। आप लोगों को अगले टेस्ट के बारे में बताने से पहले लेट्स गो एंड टॉक टू द बॉयज। Hi, Malaika. Hi, oh, wow. Handsome guys. क्या बात है?
पहले हम शुरू करते हैं प्रत्युषा वाले राहुल के साथ। राहुल, आपको प्रत्युषा के बारे में ऐसी तीन चीजें बतानी है जो सिर्फ आप जानते हैं। सर, पहली चीज है कि बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। दूसरी चीज, मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। तीसरी चीज, शादी करना चाहती है कोई महल में राजस्थान में। चलो अभी हम आते हैं नावेद, सईदा के बारे में तीन ऐसी चीज जो सिर्फ तू जानता है। हम लोगों को मालूम है कि हर हफ्ते फ्राइडे को ये अपने आप चुपके से गाड़ी लेके निकल जाती हैं। ये जाके हाजरी बाबा की दरगाह पे कम से कम 100 फकीरों को खाना खिलाती है हर फ्राइडे। मैं इसका एक छोटा सा पपी डॉग हूँ, डांटती रहती है। Go there, get that. किसी के साथ दो पैर कभी जिंदगी में पहले नहीं मिले और दो सेकंड के लिए बात And you have no respect for the way you talk to other people. Tradition. No, you don't. You don't know how to talk to people. Sorry. You okay, Ashman? जिनको आप लंबे अरसे से जानते हो आप उन पे ज्यादा भरोसा करते हो, और जिन्हें आप कम टाइम से जानते हो आप ऑब्वियसली कभी होता है कि आप कम भरोसा करते हो। बट माई ट्रस्ट वॉज बिट्रेड इन अ वे। जाते हैं अपूर्वा के पास। पहली चीज ये है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि शिल्पा गाती बहुत अच्छा है। यार ये तो सुनना होगा। दूसरा ये है कि शिल्पा स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके लिए बहुत 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 करती हैं। कभी किसी कुत्ते को कोई चोट लगी हो कुछ हो तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है। इनफैक्ट शिल्पा ने एक एम्बुलेंस एक एनजीओ को प्रेजेंट करी हुई है, सो दैट वो तो ख्याल रखें। मलाइका, हाँ? सब जानना चाहते हैं ऐसी तीन चीजें मेरे बारे में जो सिर्फ तुम जानती हो। ओहो, चलेगा झूठ वूट चल जाएगा। ठीक है, मैं बताती हूँ। ज्यादा लोगों को ये पता है कि नहीं, लेकिन ये सब एक्टर और डायरेक्टर और ये सब करने से पहले अरबाज ऑलवेज वांटेड टू बी अ क्रिकेटर। उनके दिमाग में ऑलवेज एक क्रिकेटर बने। साले, आर यू लिसनिंग? आर यू लिसनिंग? दूसरी बात है, ये जब मैं मिली थी उन्हें पहले, ये हारमोनियम प्ले करते थे। अभी भी हारमोनियम प्ले होता है, नो आइडिया, बट माई फर्स्ट विजुअल ऑफ इज वो घर में एक सर था और ये चल रहा था। मैं बोला, व्हाट इज ही डूइंग? जी हाँ, उस्ताद अरबाज खान। तीसरी बात, बहुत ही अच्छे लिखते हैं। दिस इज वेरी गुड। आई विश ही, वो मेरे फादर से आया है। आई विश ही वुड एक्सप्लोर दैट अ लिटिल मोर। राइट अरबाज, डिड आई से द राइट थिंग? यस, ऑल इज परफेक्ट, फुल पॉइंट। के मैं हूं हीरो तेरा, के मैं हूं हीरो तेरा। अब अरबाज आपका टर्न है, मेरे बारे में कुछ बोलो, तीन चीज ऐसे। अच्छा, सबसे पहले बताता हूँ कि मलाइका एक बैले डांसर है। दूसरी बात ये है कि मलाइका जो है वो कुत्तों से प्यार नहीं करती है। वो उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। I was waiting for the main punchline. मैं इसका एक छोटा सा पपी डॉग हूँ, जो इसे वो डांटती रहती है, चिल्लाती रहती है। Go there, get that. तीसरी चीज, ये मलाइका खाना बड़ा अच्छा बनाती है। और इनके बारे में आपको एक किस्सा सुनाता हूँ मैं। एक दिन जब हम नए डेट कर रहे थे, तो मलाइका ने मेरे लिए बनाया पेपर चिकन।
और मुझे बोला कि कैसा लगा. मैंने बोला बहुत अच्छा था एंड बहुत अच्छी तरह से बनाया था एंड आई एंजॉयड इट और पूरा खा गया उसको. जब हमारा रिलेशनशिप स्टेडी हो गया, सब कन्विंस हो गया कि हमको बस वी हैव टू गो स्टेडी, एक दिन ये आई मेरे पास बोला कि वो जो पेपर चिकन जो था ना वो मेरी मदर ने बनाया था. बट नाउ आई विल मेक इट फॉर यू एंड देन शी मेड इट फॉर मी. आई मेड इट फॉर हिम. वो फिर उन्होंने बनाया और मदर से बेटर बनाया. अरे वाह क्या बॉयज, ये जो सारी चीजें मैंने आपसे पूछी हैं, आपको क्या लगता है कि इसकी कोई वजह है कि नहीं है? अरबाज भाई, आप जब भी कुछ बोलते हैं कुछ ना कुछ वजह जरूर होती है. होगी ना जरूर. जी जी जी. तो हम आपको वो वजह जो है ना वो टेस्ट लोकेशन पर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक जबरदस्त तंदूरी लंच ऑर्गेनाइज किया है मेरी तरफ से. तंदूरी लंच? जब तंदूरी बोला तो मैं यार ये क्यों कहा है, कोई तो कुछ कुछ ना कुछ मतलब तो है. तंदूरी का क्या मतलब हो सकता है? अरे पेट लेके आप आ जाइए टेस्ट लोकेशन पर, हम वहीं मिलते हैं. ऑल द बेस्ट, डू वेल, बाय गाइस. कुछ तो मतलब होगा. आप जानते हैं तंदूरी क्या है? तंदूर में भाई ये बात जाहिर है कि सब गर्म होते हैं जाके. बकरे को हलाल करने से पहले खिला खिला के मारो, ऐसा कुछ तो नहीं है. जब अरबाज भाई ने बोला कि भी जाके तंदूर खाओ, मेरे लोग कमाल यार, नाइस, एटलीस्ट बाहर जाके एक रिक्रिएशन का मौका मिलेगा. सबको कहा गया क्या खूब खाना, तो मुझे ऐसा कुछ फीलिंग आई कि यार ये हमें बकरा बनाया जा रहा है. ओके, नाउ टाइम आ गया है, मैं आपको टेस्ट के बारे में बताऊंगा. आपको अपने 5 फेवरेट चीजें जिसके बगैर आप नहीं रह सकती हैं, वो हम आपसे ले लेंगे. हम इसकी तस्वीरें खींचेंगे और भी तस्वीरों के साथ इसे जंबल करके हम इसे एक कार में लगा देंगे. आपके पार्टनर्स को सिर्फ तस्वीरें निकालनी है और आपको देनी है, लेकिन ये जो कार है ये रोटेट कर रही होगी. और इसके इर्द गिर्द आग लगी होगी. लड़कों को गाड़ी के अंदर उल्टा घूमना है और आप लोग की जो चीजें बताई है उसकी तस्वीर लगाई जाएगी और लड़कों को वो तस्वीर ढूंढकर निकालनी है और रिकॉग्नाइज करना है कि हमारी लड़कियों की चीज है. तब मुझे थोड़ा सा डर लगा. इस चीज को लेके मुझे नहीं लगता कि अश्मित इतने यू नो रहेंगे कि बाप रे मैं नहीं कर पाऊंगा. कॉन्फिडेंस दिखाइए और इस टेस्ट के ऊपर भरोसा पॉइंट्स इन्वेस्ट करिए. मार्सेला, विल स्टार्ट विद यू. मार्सेला ने कितने पॉइंट इन्वेस्ट किए होंगे मेरे लिए? 40 और 45 के बीच में आपके ऊपर गया. 27. Why this odd number? I want to be safe. रिया, आपने कितने भरोसा पॉइंट्स इन्वेस्ट किए? 40,000. महक जी, कितने हैं आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए, आप पहले ये बताइए. 1,51,000. सब क्यूरियस नहीं कि ये कितना? बहुत क्यूरियस है. क्यूरियस है ना, हम भी जानना चाहते हैं. 10,000. मुझे ये रिएक्शन चाहिए था. लगाऊंगी उनके ऊपर जितना उन्होंने मेरे पे कर लगाया. 51,000 आई विल इन्वेस्ट. नावेद भैया को क्या लगता है कितना इन्वेस्ट किया होगा? लगा लेंगे 25 तो लगा दियो. सईदा, नावेद का फेवरेट स्टेटमेंट है ऑल इन, इसीलिए मैंने पूरा ऑल इन कर दिया. 40,000 पॉइंट. वो जानती है मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता. मैं उसको यही बोलता हूँ, बेबी अगर तेरे को लगता है मैं करूँगा तो इन्वेस्ट कर देना भरोसा पॉइंट, अगर नहीं तुझे पता है कि मैं नहीं करूँगा ज्यादा मत करना. मैं 40,000 भरोसा पॉइंट्स आमिर पे इन्वेस्ट करना चाहती हूँ. प्रत्युषा, ऑल इन. ऑल इन, सो टू ऑल इन. 50,000 भरोसा पॉइंट्स.
Delnaz, I can give it to everybody in writing ke Delnaz bhi all in hi karne wali hai. No, no, no. Tu sab dal degi parsi. Parsi to car. Main bolti hu to car. No, I've not done that. Delnaz ne mere khayal se sabse zyada lagaya hu. Mujhe aisa lagta hai. Delu ne 25. Delu ne 25 point. 17,525. Itne dinon se jo luck chal raha hai hamara. वो देख कर तो अरबाज आई थिंक आई हैव जस्ट गॉन विद अ लकी नंबर 23,000. कम ऑन राहुल, थिंक अबाउट हिम. लास्ट टाइम जितना भरोसा देखा है उतना ही दिखाना चाहती हूँ, तो मैं 45,000 भरोसा पॉइंट्स लगाना चाहती हूँ. शिल्पा, मैं अपूर्व पे 40,000 भरोसा पॉइंट्स इन्वेस्ट करना चाहूँ. आप लोगों ने अपने भरोसा पॉइंट्स सेंड कर दिए हैं, अब हम आपसे मिलते हैं टेस्ट लोकेशन पर. टिल देन सी यू, बाय बाय. सबसे ज्यादा भरोसा पॉइंट्स इन्वेस्ट किया महक ने, और सबसे कम भरोसा पॉइंट्स इन्वेस्ट किया दिलनाज ने. ये है मेरे स्पोर्ट्स शूज. He hates it, so I'm sure ये पक्का पहचान जाएगा. My perfume and my sunglasses. Coconut oil. I hope Navid ये 5 items recognize कर सके. I'm just hoping for the best, God. कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इश्क में इतना रिस्क क्यों होता है. मलाइका, रिस्क बिना क्या जीना यारो, इश्क बिना क्या मरना यारो, ये रिस्क ही तो इश्क है. तो चलो शुरू करते हैं हमारे बॉयज का इंडिविजुअल टेस्ट, और बुलाते हैं हमारे चाबाज बॉयज को. जब हम टेस्ट लोकेशन पे पहुंचे तब थोड़ा क्लिक हो गया कि हमको इतना तंदूरी क्यों खिलाया. बॉयज, कैसा लगा आज का तंदूरी लंच? मजा आया? हमें मालूम था कि बकरा हलाल करने से पहले कुछ किया खिलाया पिलाया जाएगा. चलो वो फैबुलस तंदूरी लंच के बाद शुरू करते हैं आज के टेस्ट. आर यू गाइस रेडी? यस. आज का टेस्ट का नाम है काक तंदूरी, और ये टेस्ट आपका ऑब्जर्वेशन पावर का है. पता नहीं क्या होने वाला था. हम सोचे कि गरम गरम तंदूरी का सीख तो खाना नहीं होगा, गला वाला गूंज जाएगा अंदर. हम बोले इतना खराब तो होगा नहीं. हमने आपके पार्टनर से 5 चीजें ली हैं. इन चीजों के बगैर आपके पार्टनर पावर कपल विला में बिल्कुल नहीं रह सकते. हमने इन 5 चीजों में से सिर्फ 4 की तस्वीरें ली हैं, और उन्हें हमने बाकी और तस्वीरों के साथ मिक्स करके इस कार में लगाई हैं. आपको वो 4 फेवरेट चीजें अपने पार्टनर की ढूंढ कर लानी है. इनसे 5 आइटम लिए हैं, उनमें से 4 के फोटो वहां लगे होंगे, और दूसरे भी 100-200 फोटो और लगे होंगे. उनके बीच में से आपको 4 फोटो निकालने. बोला यार ये क्या चक्कर है यार, ये गाड़ी जो है ना ये गोल गोल घूमने वाली है. अश्वत और मैं एक दूसरे को देख रहे हैं, हमें लगा हम गए. और फिर कार की चारों तरफ होगी फायर, आग होगी. तब जाके कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्यों बताया था कि तंदूर के लिए रेडी रहना. बॉयज ऑल द बेस्ट. बॉयज, इस टेस्ट में मैं ये जानता था कि बहुत सारे लोग ये टेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये थोड़ा कठिन टेस्ट है. फिजिकली डिमांडिंग है, उसके साथ साथ आपको फोकस करके कुछ ऐसी चीजें रिकग्नाइज करनी है जो शायद अगर आप नॉर्मली बैठे होते तब भी आप वो चीजें रिकग्नाइज नहीं कर पाते. मलाइका, शुरू करते
तंदूरी कार टेस्ट और बुलाते अपने पहले पावर कपल को आमिर और संजीदा। बड़ी खुश लग रही हैं आप? खुश हाँ हूँ मैं एक्चुअली, बिकॉज़ लड़कियों को आज कुछ नहीं करना है। एक सेकेंड, वो हम आपको बाद में बताएंगे, एक ट्विस्ट है, लेकिन पहले हम आमिर को बुलाते हैं। आमिर, आमिर जी, मैंने संजीदा से पूछा जी तुम्हें कैसा लग रहा है, तो मैं खुश हूँ, हमें कुछ नहीं करना है, गर्ल्स को कुछ नहीं करना। लेकिन एक ट्विस्ट है इसके अंदर जी, ये टेस्ट आपको नहीं इनको करना होगा। थोड़ा नर्वस हो गई क्योंकि मुझे लग रहा था आज तो बॉयज टेस्ट है और बॉयज को टेस्ट देना है, लड़कियों को तो आराम करना है। ये कर लेगी आराम से। क्या करना है मुझे? You have to get ready, आपको इनको गियर देना है। You can please go and get ready. Okay. देखो कितना डर गई, थोड़ा सा डर तो गई। आमिर चक्कर होकर आते हैं क्या? जी बहुत आते हैं। आते हैं? बहुत आते हैं। तो ये टेस्ट में तो कंफर्म आ जाएगा। आएगा ना? हाँ, 2 मिनट आपको रहना है इसके अंदर जी। अब हम देखना चाहते हैं कि आप इनकी पसंद की चीजें कितनी अच्छी तरह पहचानते हैं। आप फेल हो गए तो और भी प्रॉब्लम होगा आपके लिए, आप दोनों के लिए, कि बेचारी के सारे जो पसंद की चीज है एक हफ्ते के लिए इनको नहीं मिलेगा। ओह गॉड, सो ऑल द बेस्ट आमिर, थैंक यू, गो ऑन। थैंक यू, थैंक यू। आमिर जी, हम आपको बताएंगे गाड़ी में बैठने के बाद कि आपको ये कब उतार रहे हैं। ओके, ब्लाइंड फोल्ड कर दिया गया मुझे, एंड जब मुझे ऊपर जाना था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, कौन मुझे पकड़ रहा है, कहाँ बैठना है, बिकॉज वो ब्लाइंड फोल्ड रियली एक ब्लाइंड फोल्ड था, आई कुड सी नथिंग। मैं थोड़ा सा हिल गया था, भरोसा पॉइंट्स के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है। कार को घुमाना शुरू कर दीजिए। निकाल दो गॉगल्स। क्या रोक ले क्या? आराम से बीबी, आराम से। हर तरफ देखना, पीछे भी देखना। मैं आगे नहीं देख पा रहा हूँ। क्या ओके? रोक ले क्या? मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं। आमिर तू ठीक है? स्टॉप द कार। क्या बात है, सब अच्छे लग रहे हो। मैं ये बिलीव करता हूँ कि 2 लोगों के बीच में नजदीकियां तब आती हैं जब दिल के दरवाजे खुल जाते हैं। आपके पार्टनर्स को तो कुछ आपके बारे में पता ही है ही, लेकिन यहाँ हम सब साथ में हैं, दूसरों को भी थोड़ा बहुत जानना है आपके बारे में। सो दिलनाज, ऐसा कहते हैं कि कुछ ही देर में देखिए, एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानो अश्मित भाकुर। कार को घुमाना शुरू कर दीजिए। मोर डिफिकल्ट देन आई थॉट। क्या आई ओके? रोक ले क्या? स्टॉप द कार।
कुछ ही देर में देखिए। एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानो अश्मित भाकू। कार को घुमाना शुरू कर दीजिए। More difficult than I thought. क्या यू ओके? रोक ले क्या? Stop the car. मैं इसका एक छोटा सा पपी डॉग हूँ, डांटती रहती है। She go there, get that. किसी के साथ दो पैर कभी जिंदगी में पहले नहीं मिले, दो सेकंड के लिए बात करोगे? And you have no respect for the way you talk to other people. Rubbish. No, you don't. You don't know how to talk to people. Sorry. You okay, Ashman? जिनको आप लंबे अरसे से जानते हो आप उन पे ज्यादा भरोसा करते हो, और जिन्हें आप कम टाइम से जानते हो आप ऑब्वियसली कभी होता है कि आप कम भरोसा करते हो। बट माई ट्रस्ट वॉज बिट्रेड इन अ वे।